भैया बोलिए सर, क्या प्लेट है, कितने रुपए? 80 सर। 80 रुपीस की जी? हाफ या फुल? हाफ, हाफ 40 की, फुल 80 की। 80 के ना, मैं आपको 80 की जगह 100 दूंगा जी सर। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ थोड़ा ठंडे दिमाग से सुनना। एक्चुअली ना मेरी एक गर्लफ्रेंड है, वो ना यार बहुत परेशान कर दिया, सुबह मोमोज, शाम को मोमोज, रात को मोमोज, मोमोज खा के ना वो मतलब मोमोज ऐसी हो गई है, समझो। तो मैं ना उसकी लत छुटाना चाहता हूँ। अच्छा। तो आपके पास कोई ना, जैसे मोमोज मैं ले लूँगा 100 रुपये भी दे दूँगा, आपके पास कोई सड़े मोमोज है? सड़े मोमोज पागल हो गया भाई। हाँ, सड़े मोमोज भी बेचता है क्या? नहीं, जैसे आपके होते हैं ना, जैसे रात रात उठ के बच्चे। नहीं नहीं नहीं। हाँ नहीं भाई, ऐसी बात नहीं। मैं भाई आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, कोई बात नहीं। पागल है क्या, क्या कहते हैं सड़े मोमोज मोमोज में? अरे समझो यार, मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे यार, वो मोमोज खा के मेरे पैसे तो लगवा ही रहे, और मोमोज जैसी हो गई यार, मेरे को दिक्कत होती है। एक्चुअली सर मैं, फिर आपने दिमाग खराब करो, मैं सड़े मोमोज मोमोज नहीं बेचता भाई। चलो 150 मिला, कोई रात भी रात के बच्चे हैं, रात भी रात के बच्चे दे दो, कोई सी वो बैज मोमो से ऐसे भाई। आप पागल हो गए क्या, ये बताओ? अरे आप जाओ 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 भाई, पागल नहीं हो गया, मेरी प्रॉब्लम तो समझो यार। एक्चुअली भाई मैं तो आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूं, मैं सड़े मोमोज बेच रहा हूं क्या? अरे वो आपका हो, पुराने पुराने होते हैं ना, गर्म करके बेच देता है। अरे भाई सर अब जाइए, दिमाग खराब खराब कर दो यार, मेरी हेल्प कर दो प्लीज सर, सड़े मोमोज दे दो, कोई सड़े हुए हो। सड़े उस भाई कहां से बेचता हूं मैं, के मोमोज सड़ जाते हैं वो गले हुए। नहीं नहीं मेरे पास नहीं चाहिए भाई, यही तरीका उसको ना सड़े मोमोज खिला के इतना बीमार कर दूंगा, सुनो इतना बीमार कर दूंगा ना कि अगले दिन ना जब उसके पेमेंट। सर आप चली जाइए, मेरे पास सड़े मोमोज नहीं है, पागल हो गए क्या? आपके मेरे दुकानदार की दुकान ही बंद करवा दोगे? करवा दो यार भाई, करवा दो, जो मैंने आपसे बोल दिया मेरे पास नहीं है, करवा दो यार भाई प्लीज, करवा दो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सर मेरे पास नहीं है, वैसे मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, तुम सड़े मोमोज मोमोज बता रहे हो, क्या हो जाएगा दिमाग खराब हो जाएगा? तो मैं सर सड़े मोमोज बेच रहा हूँ क्या मैं? दे दो यार सड़े बेच। नहीं 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 कोई मेरे पास नहीं है, जाइए आप। हाँ जाइए आप। अरे भाई भाई चले जाइए, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो गया क्या? मैं सड़े मोमोज बेचने के लिए बैठा हूँ। काम करो, चलो मैं आज उसको सही खिला देता हूँ, कल सड़े हुए ले आओगे? भाई तुम जाओ यार, क्यों तुम्हारा दुकानदारी का टाइम है? भलाई की बात भी तो कर रहा हूँ, सपोज करो आपके जो नहीं बिकेंगे वो घर जाके फ्रिज में बंद रखना, तो मैं किसी की जान से खेल दूँ, किसी को खिला दूँगा? वो तो मैं हैंडल कर लूंगा, उसकी जान को मरने थोड़ी दे रहा हूँ उसको। सर आप जाइए, मेरा दस दिमाग खराब है। अरे पता है क्या है मेरी दिक्कत में, क्या है मेरी मोमो छूट जाएंगे, ज्यादा मान लो कुछ हो भी गया, मेरे पास नहीं है, आप जाइए दूसरी दुकान पर जाइए। भाई दे दो यार, मेरे पास नहीं है सर, वैसे भी मैंने आप सड़े मोमोज मैंने दुकान खोल करके। नहीं एकदम थोड़ी खुशबू भी आई था, मैं चलो हमारे पास हो सकता है इसलिए पूछ रहा था। नहीं मेरे पास नहीं। अच्छा एक काम करो, फिर ना मोमोज में अपने बाल डाल के दे दो, बाल जैसे ना एक बाल डाल। पागल हो गए क्या आप? अरे यार मोमोज से घिन आने लग जाएगी ना उसको। अरे सर आप जाइए, मेरा से दिमाग खराब है आप। अरे दो चार बाल तोड़ के डाल दो अपने यार, वैसे भी तो निकल जाते हैं वो अभी मोमोज में। नहीं है मेरे पास नहीं। नहीं है? नहीं। आप जाइए दिखाना एक बार, ये देखिए। हाँ नहीं इसमें बाल डाल दो अपने। पागल हो गए क्या? क्या हो गया? पागल हो गए क्या भाई? हाँ हो गया हूँ भाई। भाई जाओ, आप जाओ। नहीं जा रहा, जाओ यहाँ से जाओ, मोमोस लेके जाऊंगा सड़े। नहीं मेरे पास नहीं है भाई। क्या कर रहे हो ये भाई? हाँ एक सेकंड जी बोलिए यार, जैसे कि एक सेकंड साइलेंट करना फोन। एक्चुअली ना मैं अभी आपको सामने से आके देख रहा हूँ ना, मैं ना कुछ बेच रहा हूँ, मतलब आपके बेनिफिट के लिए है। आपको मोटे होने की दवाई चाहिए? हाँ मतलब मोटे होने की, जैसे मैंने अभी दूर से आप दवा बेच रहे हो, मोटे हो? हाँ आप दवा बेच रहे हो, आप मोटे हो? नहीं नहीं मैं एक्चुअली मैं भी वो दवाई खा रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत बढ़िया दवाई है। पहले तुम खुद मोटे हो जाओ। नहीं नहीं एक्चुअली नहीं मैं खा रहा हूँ ना, बिलीव कैसे करूंगा? बिलीव एक्चुअली इसलिए करो, मैं ना पहले एक रोटी खाता था, अभी मैं दो तीन रोटियाँ खा रहा हूँ, पता आपको? दिमाग है कि नहीं? हाँ दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है। अरे इसको साइलेंट करो, मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली ना पता क्या, दवाई बहुत तगड़ी है, आपको ना एक महीने के अंदर मोटा कर देगी। दवा खा ली है आपने मोटे होने के लिए? और फरोट दवा आती है सर? तो कुछ भी नहीं दिख रहा आपका तो मोटा, मतलब दिख ही नहीं रहा, दवाई नहीं सही मिलता है ना तो मोटे कैसे होंगे? अरे भाई तो बोल रहा आपने ना उल्टी सीधी चीजें खा ली होंगी। सुनो सुनो सुनो, आपने खा ली उल्टी सीधी चीजें, ब्रांडेड मंगाई है बाहर देश से मैंने। सुनो बाहर देश से मंगाइए, दवाई खाओगे एक महीने के अंदर आपके गाल बाहर ना आ जाना। अपने देश का खा रहा हूँ, सूटी नहीं कर रहा तो बाहर देश का? यही तो दिक्कत है, अपने देश में मिलावट हो रही है थोड़ी सी। तुम क्यों नहीं मोटा हो रहे हो? अरे मोटा होऊंगा, मैंने अभी एक हफ्ता हुआ खाए हुए, एक हफ्ते में मेरे गाल बाहर आ गए। एक हफ्ते भैया ज्यादा सस्ती तो देखो। सुनो अरे बहुत तगड़ी पुड़िया है, अखबार में पुड़िया बांधी है, दूध के साथ खानी है। सुनो अगर ना मोटे हो जाए ना एक महीने में, तुम ऐसे तुम्हारे आगे पीछे से सब बाहर निकल जाएगा, मैं बता रहा हूँ। अरे तुम एक बार टेस्ट करके देखो भाई। हमें नहीं चाहिए दवा, हमें नहीं चाहिए। अरे भाई यार पता है क्या होता है, दिक्कत पता क्या हो रही है, अभी दूर से आ रहे थे ना, कपड़े अच्छे लगते पतले बंदों में है ना, तो दूर से मैंने देखा तो आपने अच्छे लग रहे थे। पहले आप मोटे हो जाना, मेरा नंबर ले लो, आप कॉल कर देना, मैं दवा ले। अरे मैं तो मोटा तो हो गया, देखो आपसे तो हो ही लग रहा हूँ ना, थोड़ा सा मोटा नहीं लग रहा? नहीं लग रहे हो? नहीं लग रहा नहीं।
तो कोई नहीं, मैं अभी खा रहा हूँ, आप भी खा के देख लो ज्यादा। आप दूसरे पटाखे कितने रुपए की है? 150 रुपए की दवाई है। 150 रुपए में क्या जा रहा है? 150 रुपए में 10-10 हजार रुपए फूंक दिया था पीछे मोटा। तुमने गलती गंदी चीज खा ली ना, मेरे से नहीं मिले ना तुम भाई। तो तुम अपना मेरे से मिले नहीं, तुम पैसा वेस्ट कर दिया तुमने। 10 हजार रुपए 150 रुपए में मोटा कर दूंगा एक महीने के अंदर। बोलो नाम बदल देना, मोटा फुला दूंगा। उसके बाद मेरे को बताना भाई। देखो पतले में बहुत दिक्कत होती है, कपड़े अच्छे लगते हैं, बाकी शादी उदी में भी दिक्कत हो रही होगी आपको। दिक्कत हो रही है ना? आप अगर मुंह पे लगा के देखो अभी 1% असर अभी आ जाएगा। जीप पे लगा दी यार, टच करके तो देखो जीप में। नहीं 150 रुपए दवाई ले लो यार, ले लो 150 रुपए की। नहीं चाहिए, ले लो भाई मोटे हो जाओ। लो मेरे का टच कर लो मुंह पे अपने। लो एक्सक्यूज मी सर, मैम एक्चुअली सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, कुछ अर्जेंट था, पूछ सकता हूँ? बैठ के पूछ लेता हूँ। एक्चुअली ना मैंने दूर से देखा आपको ना, जैसे मैं देख ही रहा था, तो आपने जैसे ये पहन रखा है, क्या पहनते हैं? जोड़ा वोड़ा शादी का, मतलब रिसेंटली आपकी शादी हुई है शायद से, है ना? तो यहाँ पे क्या आप हनीमून का है? मतलब घूमने? अच्छा मतलब घूमने। हाँ सॉरी मैं पागल हूँ यहाँ के हनीमून। तो सर एक्चुअली मेरा काम है, तो उसी के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कोई पैसे से मांगने नहीं आया, आपकी मदद के लिए आया हूँ एक किस्म की। अच्छा एक्चुअली जैसे रिसेंटली शादी हुई है अभी आपकी, है ना? अभी जैसे 2 महीने बाद 4 महीने बाद इन फ्यूचर कभी भी आपको डिवोर्स की जरूरत पड़े, कभी भी शादी हुई है डिवोर्स की जरूरत पड़े, क्योंकि पड़ी जाती है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अभी अभी शादी हुई है ना कि, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट करेंगे फ्री ऑफ कोर्स, आपका डिवोर्स हम करवा के देंगे, मैं करवा दूँगा। अरे यार तुम चूतिया हो गया, डिवोर्स करवाओगे? नहीं मैं पूछ रहा हूँ ना। नहीं जैसे डिवोर्स, जैसे शादी का डिवोर्स ही होता है ना, बच्चे बच्चे के बाद डिवोर्स। अरे यार पागल हो क्या, बच्चे होने के बाद डिवोर्स कोई करेगा? नहीं जैसे आजकल होता है ना, आपको पता ही होगा कि लड़ाई झगड़े करते हैं। नहीं लड़ाई झगड़ा नहीं होती है भाई, तुम क्या है यार एकदम चूतिया किस्म के हो गया। अरे यार आपकी हेल्प कर रहा हूँ। नहीं हेल्प नहीं चाहिए, ऐसा हेल्प नहीं चाहिए। पता क्या है, मैं बताऊँ आपको, ये जब शादी हो गई, बीवी बच्चे, फिर ये वो, फिर बंदा परेशान, मैं बता दूं। अरे बाबा कोई परेशानी नहीं है। अरे सुन तो लीजिए सर, जरूरत नहीं है, आप यहां से जा सकते। अरे फ्यूचर में क्या पता क्या प्रॉब्लम? देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ये वकील वकील आपको पता कितने पैसे उसे खाते हैं। अरे कोई जरूरत नहीं है। सुन तो लीजिए, सुनने में क्या जा रहा है, पैसे नहीं, देख मैं आपके भलाई के लिए बोला ना, मैंने आपको डिवोर्स करवाना तो कर ही नहीं रहे। अच्छी बात है, देखो मान लो आपको ये परेशान करेंगे कभी, तो अभी मान लो डिवोर्स करवाने के लिए पैसे भटकोगे वो कोर्ट। नहीं वही तो मैं आपको समझा देता हूँ ना, गाइड कर देता हूँ भैया, मैं ना गाइड अच्छा करता हूँ। भाई तुम गाइड क्या कर रहे हो यार? नहीं मेरी ये बोल रहा हूँ, शादी तोड़वाने की बात कर रहे हो, तुम गाइड कर रहे हो। तो ये भलाई तो है, जैसे आगे जाके टूट पड़े, ये कौन सी भलाई चला यार एक्चुअली। अरे बाबा तुम जाओ निकलो जा, यार अच्छा जा रहा हूँ। सुनो मेरी बात सुनो। देखो पता है क्या होता है, बंदे परेशान हो जाते हैं शादी शुदी हुए, फिर डिवोर्स के चक्कर में वकील आपको होता है पैसे खा। अरे बाबा तुम उठो यार, पैसे भी नहीं लूंगा। अरे यार तुम निकलो यार। सुनो अच्छा मैं जा रहा हूँ। देखो पता है क्या होता है, चलो ठीक है डिवोर्स नहीं। अरे यार तुम निकलो, छोड़ो डिवोर्स छोड़ो। अगर जैसे कि मेरा डिवोर्स का काम तो है, जैसे कि शादी बाद आपको ये तो मानते हो कि लड़के लड़के जब परेशान करते कोई कोई दहेज लेके करते हैं ना, सपोज करो आपको ये परेशान करें आगे 2-3 महीने में, क्या वक्त है अभी तो ये हनीमून बना रहे हैं अपना एंजॉय करें, आगे जाके जैसे इन फ्यूचर अगर आपको ये परेशान करते हैं तो हमारा हाथ पैर तोड़वाने का भी काम होता है कि हाथ पैर तोड़वा के बंदे को घर पे बिठवा। अरे यार हाथ पैर नहीं तोड़वाना, कोई जरूरत नहीं है बहुत यार। ये बंदा जा क्यों नहीं रहा है? सिंपल है, बहुत अच्छे हैं ये, जा क्यों नहीं रहा है? चलो भगवान चलो अच्छे रहे, चलो अच्छा ठीक है अच्छे रहेंगे, ठीक है अच्छे रहो, अच्छे रहना ठीक है। ये कार्ड रख लीजिए। अरे बाबा तुम निकलो यार, तुम निकलो यार, कार्ड तो रख लो। अरे कार्ड, हाँ जी। अरे सुनो मैम सुनो, कार्ड बैठ जाओ। अरे कार्ड मैं चल रहा हूं, बैठ जाओ, जो कार्ड कर लो, कार्ड की जरूरत नहीं पड़े, बैठ तो जाओ। अरे हमें लोग बैठ जाना चाहिए, मैं जा रहा हूं, मैं ये बोल रहा था, बैठ जाइए। अरे आप निकलिए भाई, जा रहा हूं मैं, बैठ तो जाओ आप, मैं बोल रहा हूं आप मेरा कार्ड रख लीजिए। बस पता है क्या होता है कि ना, मैंने इससे पहले 2-3 कपल्स को अपना कार्ड दिया था, जबरदस्ती दिया था उनको भी, वो भी मना कर रहे थे, शादी हुई थी, कार्ड देते 2 महीने के अंदर उनका कॉल आ गया ब्रेक वो करवाने के डिवोर्स, मतलब जिसको कार्ड दिया। अरे बाबा तुम निकलो यार। अच्छा मैं जा रहा हूं, आप कार्ड रख लो, चलो आप रख लो प्लीज। अरे कार्ड अच्छा बैठ जाओ, क्या हो गया? कार्ड तो रख लो कार्ड। अरे यार करवा दूंगा फ्री ऑफ कोर्स में डिवोर्स करवा दूंगा यार, करवा लो यार डिवोर्स, नहीं करवा लो डिवोर्स यार।